रोबोट्स ने गोलियां मारकर 29 लोगों को जान से मार दिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसानों के बनाए हुए रोबोट्स एक दिन इंसानों पर हमला कर देंगे? और क्या रोबोट्स इंसानों को मारकर अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानने से पहले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद वीडियोज ला सकें। फरवरी 2018 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में कॉन्सेशन लाइफ एक्सपो इवेंट रखा गया। ये इवेंट हर साल होता है और इसका मकसद ह्यूमन लाइफ हेल्थ वेल बीइंग और इसके रास्ते में आने वाले कुछ बड़े चैलेंजेस को डिस्कस करना होता है। इस इवेंट में लिंडा मोर्टन हॉवे भी मौजूद थीं, जो एक अवार्ड विनिंग UFO जर्नलिस्ट और रिसर्चर है। इस इवेंट में लिंडा की स्पीच का टॉपिक था हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, यानी किस तरह AI इंसानों के लिए खतरा है। दिसंबर 2018 में उनकी इस स्पीच का छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक दिल दहला देने वाले इंसिडेंट से पर्दा उठाया। उनका कहना था कि उन्हें 26 अगस्त 2017 के दिन एक फार्मर US मरीन जो कि अमेरिका की एजेंसी CIA के कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी तरफ से एक कॉल रिसीव हुई, जिसमें उन्हें बताया गया कि किस तरह जापान की एक AI लैब में 4 रोबोट्स ने 29 साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया। असल में हुआ कुछ यूं कि लैब में एक दिन रोबोट्स ने अचानक वहाँ पर मौजूद कुछ साइंटिस्ट पर गोलियाँ बरसाना शुरू कर दी, जिससे वहाँ मौजूद 29 साइंटिस्ट मारे गए। इस इमरजेंसी सिचुएशन में काफी देर के बाद काबू पा लिया गया और उनमें से 3 रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन चौथा रोबोट किसी तरह खुद ब खुद रीएक्टिव हो गया। इससे पहले कि वो रोबोट कुछ और करता, उसे फौरन तोड़ दिया गया। लिंडा की ये स्पीच आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे करोड़ों लोग जाकर देख चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि लिंडा के अलावा किसी दूसरे ने ये इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया और ना ही लिंडा ने अपनी स्पीच के दौरान या बाद में कभी भी इस इंसिडेंट का कोई एविडेंस या सबूत मीडिया में पेश किया। लिंडा की इस स्पीच के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया। कुछ का कहना था कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि किसी दूसरे सोर्स ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया और ना ही लिंडा ने इस इंसिडेंट का कोई प्रूफ दिया है, इसलिए ये फेम हासिल करने के लिए उनका एक पब्लिसिटी स्टंट होगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इस वाक्य को सच भी मान रहे थे। तो आखिर लोग किस वजह से इस इंसिडेंट को सच मान रहे थे? आखिर ये रोबोट किस तरह से काम करते हैं और क्या ये मुमकिन हो सकता है कि कोई रोबोट किसी इंसान को कत्ल कर दे? क्योंकि रोबोट एक ऐसी कंप्यूटर मशीन है जिसमें इंसान एक सॉफ्टवेयर अपलोड करता है और वो रोबोट उसी सॉफ्टवेयर से एडवाइस लेकर अमल करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल भी लाजमी आ रहा होगा कि अगर रोबोट्स इंसानों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर से एडवाइस लेकर काम करते हैं, तो फिर लैब में ही मौजूद किसी साइंटिस्ट ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर रोबोट्स में अपलोड कर दिया होगा, जिससे ये रोबोट्स दूसरे इंसानों पर हमला कर दें। इसका जवाब आपको वीडियो के आगे जाकर पता चल जाएगा। मार्च 2018 को इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक है और एक न एक दिन ये इंसानों को खत्म कर सकती है। आपको बता दें कि ये बात इलोन मस्क ने यूं ही हवा में नहीं कही थी, क्योंकि आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे ऐसे खतरनाक एडवांस रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जो इंसानों के मुकाबले में 100 गुना तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2017 में गूगल के बनाए गए डीप माइंड अल्फा गो प्रो रोबोट ने दुनिया के नंबर 1 गो प्लेयर को चंद ही मिनट्स में हरा दिया था। ये रोबोट्स इतने ज्यादा एडवांस है कि जिन टेक्नोलॉजी को इंसान सालों लगाकर सीखते हैं, वहीं ये रोबोट चंद ही दिनों में इंसानों से ज्यादा सीख लेते हैं। कॉर्नल रोबो ब्रेन रोबोट की मिसाल हमारे सामने है, जो चीजों को सीखने के लिए YouTube पर वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका, रशिया और चाइना समेत कई ममालक ने ऐसे खतरनाक मिलिट्री रोबोट बना लिए हैं, जिनको जंगों में दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इतने ज्यादा एडवांस है कि ये खुद ब खुद अपने टारगेट को निशाने पर लाकर उसे खत्म कर देते हैं। इसी तरह का एक वाकया 2020 में लीबिया में रिपोर्ट हो चुका है, जिसमें एक फ्लाइंग रोबोट ने लीबिया की आर्मी के कई सोल्जर्स को खुद से कत्ल कर दिया। इसके अलावा और भी कई ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं।
अब आप इस सूफिया रोबोट को देखें, ये वो दुनिया की सबसे पहली रोबोट है जिसको सऊदी अरेबिया में सिटीजनशिप मिली थी। ये रोबोट इतनी ज्यादा एडवांस है कि ये बिल्कुल इंसानों जैसे बात करती है। इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये अपनी फैमिली बनाना चाहती है और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। इसके बाद इससे पूछा गया कि क्या आप इंसानों को मारना चाहती हो, तो इसने जवाब में कहा कि हाँ, मैं इंसानों को मारना चाहती हूँ। इसके एक साल बाद इसे एक टॉक शो में बुलाया गया और वहाँ पर जब वो जीती तो उसने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है कि आगे जाकर मैं इंसानों को डोमिनेट करूँगी। और ये बातें वो खुद से अपने दिमाग से कर रही थी, फिर चाहे वो फैमिली बनाना हो, खुद का बिजनेस हो या इंसानों को मारना। आपको बता दें कि ये बिल्कुल रियल है, इंटरनेट पर आप खुद भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि उन चार रोबोट्स ने खुद से ही इंसानों पर हमला किया था। इस वीडियो का पार्ट टू हम आपके लिए लास्ट में लेकर आएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि असल में ये रोबोट्स हैं क्या। पार्ट टू हम आपके लिए तभी लेकर आएंगे जब आप इस वीडियो पर 2000 लाइक कम्प्लीट कर देंगे।